अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का अज जन्म दिहाड़ा समुची सिख कौम बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मना रही है। शहीद बाबा दीप सिंह जी सेवा सिमरन दे पुंज कहनी अते करनी दे पक्के दमदमी टकसाल ते निहंग सिंह संप्रदाय दे मोढ़ी गुरबाणी दे व्याख्याकार पावन बीड़ा दे उताराकार बाणी लिखन वालियां कलमा दे घड़नहार अते इथों तक कि बाणी लिखण लई स्याही बनाउण दी सेवा निभाउण वाले बहुपक्षी शख्सियत दे मालक सन। शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म 1682 ईस्वी नूं पौ विंड विखे पिता भगता जी दे घर माता जीवनी जी दी कुखों होया। आप जी दे माता पिता गुरु घर दे सच्चे सेवक सन अते जदों भी वह गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शनां लई श्री अनंदपुर साहिब जांदे तां बालक दीपे नूं भी नाल लै जांदे। गुरु जी कोल रहिंदियां ही बाबा दीप सिंह जी ने 1699 दी वैसाखी नूं अमृत छकिया ते दीपे तों दीप सिंह बन गए। करीब 8 साल दी उम्र तों लै के 22 साल दी उम्र 1704 ईस्वी तक बाबा दीप सिंह जी श्री अनंदपुर साहिब ही रहे। इत्थे ही उन्हां गुरु चरणां विच रह के वख-वख भाषावां दा ज्ञान अते शस्त्र विद्या विच निपुणता हासिल कीती। गुरु जी ने श्री अनंदपुर साहिब रहिंदिआं जिन्नियां भी जंगां लड़ियां बाबा दीप सिंह जी हर जंग च गुरु जी दे नाल रहे। परिवार विछोड़े उपरंत बाबा दीप सिंह जी ते भाई मनी सिंह जी माता सुंदरी जी अते माता साहिब कौर जी दे नाल दिल्ली चले गए। पर कुछ दिनों बाद बाबा दीप सिंह जी अपने पिंड पौविंड विखे वापस आ गए अते इत्थे रह के बाबा जी ने सिखी दा प्रचार आरंभ किया। दूजे पासे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी श्री मुक्तसर साहिब जी की जंग फतेह करन उपरंत तलवंडी साबो की आ विराजे। इत्थे ही गुरु जी ने भाई मनी सिंह जी तो पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज करवा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ संपूर्ण करवाई। इस तरह भाई मनी सिंह जी बाणी च लिखदे अते बाबा दीप सिंह जी कलमा घड़न ते स्याही बनाउण दा कारज करदे। इस पावन स्वरूप की संपूर्णता उपरंत बाबा दीप सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस भीड़ दे चार उतारे किते अते चार तख्तां ते सुशोभित किते। 1706 ईस्वी विच जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तलवंडी साबो तो दक्षण वल रवाना होए तां गुरु जी ने बाबा दीप सिंह जी नूं तलवंडी साबो विखे रहण गुरु धामां दी सेवा संभाल अते सिखी दा प्रचार कार्य सौंपिया। उस समय तो लैके बाबा दीप सिंह जी ने शहादत देण तक लगभग अद्धी सदी का समा तलवंडी साबो विखे रह के गुरमत का प्रचार प्रसार किया। तलवंडी साबो तो ही दमदमी टकसाल का मुढ़ बजया। उन्हां दा भोरा साहिब अज भी दमदमा साहिब विखे सुशोभित है जिथे बाबा जी भगती करदे सन। तलवंडी साबो रहिंदिआं जदों बाबा दीप सिंह जी नूं पता लग्गिआ कि मुगल हुकूमत ने श्री हरिमंदर साहिब की बेअदबी करके सरोवर नूं पूर दित्ता तां बाबा जी ने सिंघां नूं नाल लै के अमृतसर साहिब वल छाले पा दित्ते। अमृतसर तो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर गोलवड़ दे मैदान च सिखां ते जहान खान च मुगल फौजां दा जबरदस्त टाकरा होया। इस समय बाबा दीप सिंह जी दे नाल तकरीबन 5000 सिख सन जबकि मुगल फौजां दी गिणती 25000 तों वी वध सी। जदों जमाल खान बाबा दीप सिंह जी दे सामने आया तां तलवार दे एक जबरदस्त वार नाल उस दा सिर धड़ तों अलग हो गया। बाबा दीप सिंह जी दी धौण ते एक पासे बहुत डूंघा फट लग्या। इस दे बावजूद बाबा दीप सिंह जी सज्जे हाथ विच 18 सेर दा खंडा लै के दुश्मनां दे आहू ला रहे सन। दुश्मनां नूं पार बुलाउंदे बाबा दीप सिंह जी श्री हरिमंदर साहिब पहुँच शहीदी जाम पी गए। श्री हरिमंदर साहिब जी दी दक्षण दिशा वल एक गुरद्वारा ते निशान साहिब सुशोभित है जिथे बाबा दीप सिंह जी ने नवंबर 1757 नूं शहीदी प्राप्त कीती। जिस स्थान उत्ते बाबा दीप सिंह जी अते जंग विच शहीद होए बाकी सिंघां दा संस्कार किया गया उत्थे अज गुरुद्वारा शहीदा साहिब सुशोभित है। ब्यूरो रिपोर्ट दर्शन टीवी।